गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग वेलकम 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 टू लेट्स क्रैक यूपीसी हिंदी तो जैसा कि मैंने कहा था पांच बजे में हाजिर हूं आप लोगों के सामने आर्ट एंड कल्चर का एक प्रेस सेशन लेकर <coughs> क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे साथ भी अभी एक वो क्या खुशी कहें या ट्रेजिडी कहें समझ नहीं आ रहा बर्थडे पे गिफ्ट मिला है मोबाइल और उसके साथ सेट होने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है तो उसमें कुछ भी वैसे नहीं काम कर रहा है पहले की तरह तो अभी भी मैं देख रही हूँ कि पुराने सेशन पे 63 लोग दिख रहे हैं मुझे दिख गया क्लियर है गुड गुड पुतिन जी आपने कह दिया तो क्लियर ही होगा तो वेलकम ऑल इफ यू तो ये भी आर्ट एंड कल्चर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैसे पॉलिटी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंडियन सोसाइटी एथिक्स स्पेशली एथिक्स इंडियन सोसाइटी मुझे पढ़ने में पढ़ाने में बहुत मजा आता है बट स्टिल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इसको ही लेकर मैं शुरू से चली हूँ और क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा हमेशा से तो हिस्ट्री ही मेरे साथ जुड़ा रहा मुझे बहुत मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ाने में कल्चर जो है आपका हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो कल्चर भी मैं पढ़ाती हूँ और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है मुझे स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में यस राम ठीक है आप कट पे बंद करो मैं पहले आप लोगों का क्वेश्चन आपका ले लेती हूँ रा, राम मैं अभी सेमेस्टर वन में हूँ मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करना है तो कैसे शुरुआत करना है एन प्रॉपर बैच लेकर सेल्फ स्टडी कॉलेज सेमेस्टर वाइज से प्लीज हेल्प मी देखो आप एक बार कोर्स लेते हो ना येस येस फ्यूचर आई सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी मैं पढ़ाती हूँ ठीक है ये तो राम आपको अफरोज़ आप ने सही गाइड किया है ठीक एन तो आप ऐसे पढ़ सकते हो बाकी एन की बहुत सारे जो हैं वो बैचेज़ भी आपको मिल जाएंगी अगर आप बैच लेना चाहो कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर पाते हैं कुछ लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते तो आपको बैच में मिल जाएगा जो अन्य एडमियों पर बैचेज़ हैं जो बेसिक से बिल्कुल शुरुआत होती है ठीक है और पहले खुद से पढ़ के देखिए और सबसे अच्छा यही होता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ले लें अपने एडमिशन या जो भी बैच ले लें या पढ़ाई शुरू कर दें ताकि आपकी तैयारी सही से दो साल में हो जाए और फाइनल तक आते आते, आते आप प्रिपेयर्ड हो जाएं ताकि एकदम समय बर्बाद ना हो देखो ऐसा है कि हमारे पास पहनने को बहुत सारे कपड़े हैं आज नहीं तो कल हो जाएंगे जब मनाएगा आप अपना वॉर्ड्रोब भर लोगे अपनी आलमारी ठसा ठस थस भर लोगे कपड़ों से ठीक है कपड़े ज्वेलरी एक्सेसरीज आपके हाथ में है सब कुछ लेकिन समय समय नहीं है आपके हाथ में और ये जो बीत रहा है इसे कभी वापस नहीं ले पाओगे कभी इसे पलट कर वापस नहीं जी पाओगे तो सबसे महत्वपूर्ण है समय जो जो जा रहा है वो खत्म हो रहा है ठीक है तो इसलिए आप जो है अपने टाइम को बहुत सबसे कीमती चीज़ माने अपने जीवन का सोना गहना कार गाड़ी ड्राइव और ये बिल्डिंग मतलब घर जो भी चीज़ें जो आज की डेट में आपको महत्वपूर्ण लगती हैं एप्पल का फोन गर्लफ्रेंड सबसे महत्वपूर्ण जो है वो समय है ठीक है गर्लफ्रेंड फ्रेंड नेक के बाद दूसरी मिल जाएगी बॉयफ्रेंड ने एक के बाद दूसरा मिल जाएगा लेकिन ये जो समय जा रहा है ये नहीं मिलेगा और इसी समय में आपको कुछ करना है जब सेटल हो जाओगे तो बहुत डिमांड बढ़ेगी आपकी आपको खुद ही अपने जीवन में महसूस होगा कि अरे अचानक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया हूँ अचानक मैं बहुत महत्वपूर्ण हो गया हूँ लोगों के लिए और लोगों का मुझे देखने का नज़रिया बदल गया है तो ये कब बदलेगा जब आप अपने को अच्छी तरह से सेटल से कर लोगे तो बहुत ज्यादा समय आप बिल्कुल बर्बाद न करें समय को सबसे कीमती मानकर इसको यूज करें अच्छे से इसका सदुपयोग करें और फिर आप देखिए कि जिंदगी जीने में कितना आपको आनंद आएगा तो कला एवं संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि कला कब से प्रारंभ हुआ हमारे जीवन में मतलब हमारा जीवन तो खैर बहुत छोटा है मतलब मनुष्य के जीवन में कब से कला का प्रारंभ कब से होता है किस किस तरह संस्कृतियों का विकास हुआ अलग अलग संस्कृतियां रही है ना संस्कृति ठीक है तो अलग अलग संस्कृति सभ्यताएं तो हम लोग जो है यही इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक अप्रोच लेकर पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल किसी एक बुक या किसी उससे नहीं करा रही एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव समझ रहे हैं ना समेकित रूप से समेकित रूप से जहाँ मतलब बिल्कुल आपका एक एक चीज़ पढ़ते हुए चले जैसे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर जब बुक को लेते हैं तो बुक्स अच्छी होती हैं सारी बुक्स अच्छी होती हैं पर जो पर्टिकुलर कोई बुक होती है वो उसमें कुछ चीजें होती हैं कुछ चीजें नहीं होती हैं तो हम टीचर्स का क्या रोल है आपके जीवन में तो यही कि आपको सब कुछ दे सब कुछ कुछ भी ना छूटे ये रोल है हमारा आपके जीवन में तो बस यही प्रयास इस सेशन में, में मेरा रहेगा ठीक है तो पैटर्न चेंज हो चुका है बहुत ही टिपिकल जैसे आपको अगर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है एकदम से टिपिकल ही कि आप बताइए कि जो है मतलब द्रविण शैली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं नागर शैली जैसे अगर स्थापत्य कला की बात करें तो स्पेशली इंडो इस्लामिक नहीं पूछा जा रहा है लेकिन उससे जुड़ी हुई फैक्ट्स आपसे पूछी जा रही हैं ठीक तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों का पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक काल से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो देखिए रिंकू लाइव मेरा कोड है अनेक आडमी पर आना है आपको तो बिल्कुल याद रखिए मेरा कोड अगर आप चाहते हैं मैं आपके जीवन में बनी रहूं आप मेरे जीवन में बने रहें ऐसे हम रोज़ मिलते रहें तो सेशन में आने के लिए यूज़ माई कोड रिंकू लाइव और ये मेरे बारे में है जो पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं वो जान लें समझ लें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं करूंगी और एकदम आपको वही चीज़ मिलेगा जिसके लिए आप सेशन को देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि कला एवं संस्कृति क्या है तो देखते हैं कुछ जैसे देखिए स्पेशली हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं भारत की हम किसकी बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की ठीक भारती है भारतीय कला एवं संस्कृति की तो ये देखिए चूड़ी बनाना भी एक कला है इसको अलग अलग जगह ऐपन रंगोली कहते हैं वो भी एक कला है मेहंदी लगाना भी कला है ये जो आप दीवारों पर ये देख रहे हैं ये पेंटिंग्स ये आज भी वर्ली राजस्थान में लोग किया करते हैं और हमारे यहाँ पर ये देखो विविधताएँ भी, भी बहुत हैं कई तरह के फेस्टिवल्स मनाई जाती हैं है ना होली दिवाली तो कई तरह की फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पर मनाई जाती हैं है ना तो ये जैसे देखो चूड़ियां भी बाहर में लोग क्या ब्रेसलेट पहनते हैं और हमारे यहां भर भर के हाथ में कांच की चूड़ियां ये मेहंदी मैंने भी लगाई है एक हमारे यहाँ पर फेस्टिवल था तो मेहंदी लगाना भी एक आर्ट है ना तो ये ये देखिए भगवान ये भगवान ने कितना खूबसूरत इस पक्षी को बनाया है भगवान सबसे बड़ा कलाकार है है ना राजस्थान में देखिए ऊंट को किस तरह से सजाया गया तो ये ये क्या है तो ये जो है भारतीय संस्कृति है भारतीय संस्कृति में हम लोगों को जो है कला एवं संस्कृति तो कला क्या है कला जिसमें कि हम लोग जो है जो अपने भीतर की जो अभिव्यक्ति है जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसको एक मूर्त रूप देते हैं ठीक तो अब उसमें एक दृश्य कला होता है एक प्रदर्शन कला होता है तो दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट तो जो विजुअल आर्ट होता है उसमें आपके स्थापत्य आ जाता है पेंटिंग आ जाती है मूर्ति कला आ जाता है चित्रकला मूर्तिकला ये सब और प्रदर्शन कला परफॉर्मिंग आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट में जो है ये डांस तो भारत रिच है बहुत भारत बहुत समृद्ध है इस कला के क्षेत्र में भारत में तरह तरह के डांस फॉर्म्स हैं तो स्पेशली जो है छः सात तरह के जो क्लासिकल डांसेज हैं वो बहुत फेमस हैं भारत में ठीक और इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अगर पेंटिंग की जैसे ये आपकी दृश्य कला में आता है अलग अलग तरह की पेंटिंग्स में भी पेंटिंग से भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पेंटिंग का जो विषय रहा वो पौराणिक कथाएं रहीं तो जितने भी लोक रही रहीं कलाओं में जो विषय वस्तु रहा जो सब्जेक्ट रहा वो पौराणिक कथाएं रही पौराणिक कथाओं में वही राम कृष्ण खासतौर पर कृष्ण के विषय पर पेंटिंग्स ज़्यादा बने और ये आपका विजुअल आर्ट है जिसको हम लोग जो है ये इंडो इस्लामिक आर्ट राजपूत कला ये जो मॉडर्न में आप देख रहे हैं लोटस टेम्पल ये स्थापत्य कला तो हमारे यहाँ पर भारत स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी भारत बहुत ही समृद्ध है चाहे हम लोग राजपूतों की देखें तो एक से एक किले बनाए उन्होंने और जो हमारे यहां पर मध्यकालीन राजा रहे उन्होंने एक से एक बिल्डिंग्स बनाई और सबसे प्राचीन काल में अगर हम जाते हैं तो इतने खूबसूरत मंदिर बने वो भी रॉक्स से पत्थरों से बिना गारेगा बिना गारा और सीमेंट का एक से एक टेम्पल्स बने मंदिर बने जहां से अब क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं तो ये भारतीय स्थापत्य है और ये भी परफॉर्मिंग आर्ट है आपका ये क्या है ये कौन है पहचानिए पहचानिए जरा कौन है आपसे ये भी पूछा जाते हैं मतलब अलग अलग संस्कृत व्यक्तित्व भी पूछे जाते हैं जरा पहचानिए बस कमेंट सेक्शन पे नजर है मेरी अरे भाई गायब हो गया ये जो है हाँ जी रवि शंकर यस अंकुल रवि शंकर स्पेलिंग हमेशा आदत डालिए स्पेलिंग हमेशा सही लिखने की चाहे शॉर्ट से शॉर्ट हो स्पेलिंग हमेशा सही लिखिए ठीक है तो ये रविशंकर हैं ये क्या बजा रहे हैं तो सितार ये सितार वादक थे तो जो म्यूजिक है हमारे यहाँ पर म्यूजिक को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं जो म्यूजिक है एक तो इंस्ट्रूमेंटल होता है जैसे ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का एक उदाहरण है हजारी प्रसाद चौरसिया बहुत ही निपुण बाँसुरी वादक फॉर्चुनेटली अभी वो जीवित हैं हमारे बीच हैं ये नहीं रहे इसी तरह से बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो किसी न किसी वाद्य यंत्र को बजाने में बहुत ज्यादा दक्ष हैं निपुण हैं और एक म्यूजिक में आता है वोकल म्यूजिक गाने वाला है ना तो हमारे यहाँ पर वोकल म्यूजिक के दो मुख्य फॉर्म है हिंदुस्तानी और कर्नाटिक जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ कुछ लोक संगीत भी हैं दादरा ठुमरी है ना सोहर आप आप लोगों से बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है तो ये है भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति में आपको यही पढ़ना है यही पढ़ना है आप लोगों को विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट अब यहां पर अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि कला की शुरुआत कब हुई अब जैसे देखो मतलब कला के अगर हम लोग विकास की बात करते हैं तो अगर इसके हम लोग विकास क्रम की बात करते हैं तो कब से शुरुआत होता है ये सबसे पहले जैसे देखो कला आया फिर धीरे धीरे कई कलाओं से मिलकर एक संस्कृति का विकास हुआ अब इसमें कला का प्रारंभ कब से होता है बताइए कब से हुआ होगा एक बार गेस्ट करिए आप कब से हो सकता है कब से आपको लगता है कि मनुष्य ने जो है नाचना सीख लिया होगा बजाना सीख लिया होगा पेंटिंग बनाना सीख लिया होगा डांस सीख लिया होगा ये कब से हो सकता है जैसे आप लोगों ने अभी एक मेरा सेशन लिया जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री शुरुआत होती है ह्यूमन ऑरिजिन तो आपको क्या लगता है कि कब से हो सकता है ये बंद नहीं हुई है अंकुर आपको आपको सभी दूसरे कोर्सेज उसके बदले दे दिए गए हैं मस्त यूपीएससी से लेट्स क्रैक पर क्लास लीजिए क्या प्रॉब्लम है मुझे आप लोग के कमेंट दिख नहीं रहे या आप लोग बोल नहीं रहे हो नेटवर्क बहुत भाई जियो बहुत बेकार है मैंने जियो ले लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं जियो आ गया है रिलायंस का आ गया है देशी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो है ये जियो इतना स्लो हो चुका है ये पहले एक बी होता था धीरे धीरे लोगों ने मीम बनाया लोगों ने उसका फुल फॉर्म बनाया बी का कि भाई साहब नहीं लगेंगे बी अभी जियो भी कुछ ऐसा ही हो गया है तो अंजलि नागर कह रही है न्यूलिथिक जैसे आपसे अगर यही पूछा जाता है अफरोज कह रहे हैं इंडेस वैली से अरे मेरा 5G है भाई पुतिन जी फाइव जी है फाइव जी का ये हाल है एकदम मतलब मैं जल्दी ही इसको अब हटाने वाली हूं इस महीने का तो भर दिया है मैंने पर अगले महीने से मैं हटा दूंगी एयरटेल ले लूंगी मैं मतलब यहां पर अब आप लोगों के यहां कहीं कहीं पर इसका नेटवर्क होता बिल्कुल सही कह रहे हैं फ्यूचर आई एस सुनील एयरटेल पहले भी था और मैंने एयरटेल को हटवाया और मैंने लिया बहुत तारीफ सुनी की फाइव जी लेकर आया रिलायंस लेकिन बहुत बेकार है तो देखिए आप लोगों में से अभी तक कोई भी सही आंसर नहीं आया है ठीक जो कला की शुरुआत उसी समय से हो गई जब मनुष्य मनुष्य का जब ओरिजिन होता है तभी से यानी पूरा पाषाण काल से ही पर पूरा पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल में भी मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि तीन भाग में बांटा गया है क्योंकि इतिहास का सबसे लंबा काल तो पूरा पाषाण काल में जो ऊपरी पूरा पाषाण काल है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अपर अपर पैलोलिथिक पीरियड ठीक अपर पेलोलिथिक क्यों कहते हैं इसको ऊपरी पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं कभी अगर आपसे पूछा जाए तो जब खुदाई होती है तो सबसे ऊपरी लेयर में जो मिलता है अपर अपर पेल्योलेथिक ठीक और सबसे नीचे वाले यानी मतलब जैसे जैसे डिपोजिशन होता है तो सबसे पुराना नीचे दबता चला जाता है ना तो इसलिए कहते हैं उसको लोअर पेल्युलिथिक बीच वाला मिडिल पेलोलिथिक और ऊपर वाला अपर पेलोलिथिक तो सबसे बाद वाला जो फेज रहा जैसे जो लास्ट का जो पचास साल रहा उसमें उसमें कला का प्रारंभ होता है और इस समय इस समय जो है मनुष्य मनुष्य जो है पेंटिंग दीवारों पर पेंटिंग शुरू करता है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र और इस समय इन लोगों ने ढोलक भी बना लिया था ढोलक भी बजाते थे और डांस भी करते थे यानी म्यूजिक और डांस की शुरुआत भी हो गई थी ये हमें कैसे पता चलता है तो हमें इन पेंटिंग से ही पता चलता है और इसको याद रखिएगा इंग्लिश में इसको कहते हैं पेट्रोग्लिफ इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं पेट्रोग्लिफ कभी अगर आप लोगों से प्रिलिम्स में क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आ रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं तो इसलिए आप लोग इसको जैसे लाइटली नहीं लेना है तो आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत आपकी यही से होती है ठीक है तो मनुष्य गुफाओं में रहता था मनुष्य कहां रहता था? तो गुफाओं गुफाओं में, और वो गुफाओं के भीतर ही उसने गुफा की दीवारों पर इस तरह से पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी जिसमें ज्यादातर जो पेंटिंग्स रही वो कैसी रही तो ज्यामितिया ज्यामितीय या छड़ी आकार की ये पेंटिंग्स रही जैसे देखिए ये जो है ये इस तरह से ये अलग अलग जगह की यहां पर ली गई है कैसे कैसे पेंटिंग्स बनाई गई हैं देखो किसी मतलब ये घोड़े जैसे पीठ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति बहुत सारे जानवर बहुत सारे जानवरों का कब होता है तो मिजुलिथिक पीरियड में जानवरों की पेंटिंग ज्यादा बनती है और धीरे धीरे ये इतना फाइन अच्छा सिर्फ भारत से नहीं मिला ये ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ भारत से नहीं मिला है ये दुनिया भर के अलग अलग देशों से मिला है जहां मतलब शुरू में जो प्रारंभिक मानव थे अर्ली ह्यूमंस वो केव्स में ही रहते थे गुफाओं में ही रहते थे और जहां जहां रहते थे वहां पर जैसे इसके पहले का जो आपने देखा वो ये यहां पर खुरच खुरच कर ठीक है दीवार को ये इसको खुरच खुरच करके दीवार में शेप दिया गया है और फिर उसमें कलर भरा गया है तो इतना लोगों में जुनून था ठीक है बाद में इस तरह की थोड़ी सी फाइन पेंटिंग्स हम लोगों को मिलने लग गई बड़े बड़े जानवर जो लेट, जो लेटर प, अपर पेलोलिथिक पीरियड है लेटर कह देती हूँ कि मतलब सबसे बाद वाला वहां पर बड़े बड़े जानवर भी बनाए गए थे तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि बड़े बड़े जानवर भी आपको ऐसे बने हुए मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी में उसी एक दिया हुआ है फ्रांस फ्रांस की गुफा का चित्र दिया हुआ है तो आपको जब भी कला का विकास, का पूछा जाएगा कि कला का विकास कहां से प्रारंभ होता है तो आप कहेंगे उत्तर पूरा पाषाण काल अपर पेलोलिथिक पीरियड से ठीक है तो यहां तो ये यह अब ये एक फैक्ट तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपको कि ये आपका शुरू होता है उत्तर पूरा पाषाण काल से तो प्राचीनतम चित्र हमें मिले हैं और चित्र में हमें नृत्य वगैरह भी मिला है अच्छा एक चीज और 2023 के प्रीलिम्स में आप लोगों को कुछ आर्क्योलॉजिस्ट के नेम्स भी पूछे गए हैं पूछे गए हैं ना? पूछे गए ना अफरोज पुती नन्नू भीम परिहार भी एक दिख रहे हैं तो कुछ आप लोगों को पूछे गए हैं जिस्ट पुरातत्वविदों के नाम पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए पुरातत्वविद भी महत्वपूर्ण है तो जैसे अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत में जो पेट्रोग्लिफ रहे शैल चित्र रहे उनकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी तो 1867-68 में अठारह सो में आर्की बोल्ड आर्की बोल्ड कार्लाइल ने किया ठीक और मतलब यहां पर जो है इससे पहले स्पेन इस में अल्तामीरा ने भी स्पेन में खोज लिया था सबसे प्राचीनतम जो है आपका स्पेन में मिला है फिर इसके बाद जो है कांकबर्न कांकबर्न ठीक एंडरसन मित्र और घोष काकबर्न एंडरसन मित्र और घोष इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे बहुत सारे स्थल खोजे तो इन लोगों का नाम आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है इन लोगों का नाम अब आप कहेंगे कि अरे मैम क्या क्या याद करें पर एक क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछ लिया गया है कहां कहां से मिले हैं ये अच्छा याद रखिएगा प्रिलिम्स के साथ साथ ये आपके जीएस पेपर वन में भी पूछा जाएगा पेट्रोग्लिफ पेंटिंग्स पे पूछे गए हैं कई बार प्रागैतिहासिक शैल चित्र पर आपसे कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं अभी लेटेस्ट आप लोगों का 2020 में पूछा गया है समझ में आई बात तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स में भी आएगा और जीएस पेपर 1 में भी तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कहां-कहां से मिले हैं तो मध्य प्रदेश भाई जहां-जहां पर गुफाएं हैं ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र रहे तो वहां से मिला तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक बिहार इधर इन लो का वास ज्यादा रहा और वहां पर कुमाऊ की पहाड़ियों में उत्तराखंड में कुमाऊ की पहाड़ियों में मिला ठीक है तो कुमाऊ की पहाड़ियों में जो है अल्मोड़ा बरछेना मार्ग पर अल्मोड़ा बरछेना मार्ग पर 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे एक जगह है लखुडियार तो लखुडियार का नाम मत भूलना जैसे जितने भी आप लोग के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं इसको मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है आप लोगों को पहले भी बताया है ठीक है पहले भी मैंने आप लोग को बताया है लेकिन वही क्वेश्चन पूछे गए हैं पर आप ध्यान नहीं देते हो जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर आपको लगता है कि अरे ये तो क्वेश्चन नया था फिर मैं मुझे बताना पड़ता है कि ये क्वेश्चन ये तो मैंने आपको बताया था तो ये जो है ये प्रैक्टिस हम लोग को छोड़नी पड़ेगी कि मतलब आप क्वेश्चन वहाँ गलत करके आए और फिर मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने आपको बताया था ये प्रैक्टिस हमें छोड़नी होगी हमें क्या करना होगा कि सारा याद करते हुए चलना होगा और आप कहोगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन आया था तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं मैसेज करते हैं मुझे कि अरे मैम ये क्वेश्चन भी आ गया था ये क्वेश्चन भी आ गया था तो इतना ध्यान से आपको लेना है ठीक है तो जैसे इस बार जितने प्लेसेज पूछे गए थे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में उन प्लेसेज को मैंने कई बार अपने अलग अलग सेशन में बताया है पर कुछ लोगों ने ध्यान से उसको नहीं लिया होगा कुछ लोगों ने लिया तो अगर आप ध्यान से अगर वाई पर भी क्लास लेते हो आप तो भी तो भी जो है आप कर सकते हो अच्छा लेकिन वहां पर आप कितने अटेंटिव हो इस पे डिपेंड करता है और कितना आप कलेक्ट मतलब जैसे कलेक्टिव क्यों क्योंकि आपको मैटर कहाँ कहाँ से लेना है किधर किधर से मैटर उठाना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो लखुडियार क्यों फेमस लखुडियार का देखो मीनिंग होता है एक लाख गुफाएं लखुड़ियार क्योंकि ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा में है तो ये उत्तराखंडी मतलब वहां का कुमाऊ कुमाऊ लैंग्वेज है ये लखुड़ियार का मीनिंग होता है एक लाख गुफाएं वहां पे वन लैख केव्स थी अभी कुछ हैं ठीक तो लखुडियार तो ये बहुत अभी तक पूछा नहीं है यूपीएससी ने और मुझे लगता है कि जल्दी ही पूछेगा यहां से हम लोगों को मानव चित्र भी मिला है पशु चित्र भी मिला है और सभी कैसे बने हैं ज्यामितीय आकृति समझ रहे हो ना आप लोग अरे कटपेस्ट कटपेस्ट की बीमारी बहुत है भाई अरे मतलब लोग जो है मतलब इतने कभी कभी लोगों का पतन हो जाता है ये अब इनको देखिए देखो ये अपनी सिस्टर को भी यूनिक जी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल सही कहा पुतिन कि ये गरीब आदमी है ये मतलब ये गरीब आदमी है बुद्धि से मतलब अभी तक लोग दूसरों की बहन के लिए कहते थे वो भी एक बुरी बात है लेकिन अपनी बहन के लिए तो लोगों का खून खोल जाता है ठीक है और ये जो है सरआम अपनी बहन को बेच रहे हैं क्या कहा जाएगा मतलब आप कह सकते हो कि पतन इसी को कहा जाता है कि चारित्रिक पतन हो गया है और कहीं ना कहीं कुछ मतलब इनका जो सामाजिकरण है उसमें थोड़ी कमी रह गई है समाजीकरण तो आप लोग को समझना ही होगा आप ये मत सोचो कि सोशियोलॉजी का टॉपिक है सोशियोलॉजी भी मेरा फेवरेट विषय है तो समाजीकरण इस बार आप लोग का क्वेश्चन ऐसे में एक ऐसे पूछा गया है ना कि ऐसे में नहीं जीएस पेपर वन में क्वेश्चन आया आप लोग का इंडियन सोसाइटी में कि बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दी गई हैं उससे उनके समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है यही पड़ा है यही प्रभाव ठीक है अच्छा संजय मैंने देख लिया है अभी आप हाँ रुक जाइए रुक जाइए संजय रुक जाइए थम जाइए देख लिया है मैंने तो समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है मोबाइल का ये क्वेश्चन ये करेंट से था और सोसाइटी से जोड़ दिया गया है आप लोगों का अब जिनको दादी नानी कहानियां सुनाती थी ताऊ दादा नाना कहानियां सुनाते थे मम्मी पापा कहानियां सुनाते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कृष्ण के पैगंबर की कहानियां है ना क्राइस्ट की कहानियां तो लोग लोग एक मोरल लेसन लेते थे वहां से अब तो ये मोबाइल पर गेम खेल खेल के और इनको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी तो छुपी हुई है लोग मुझे पहचानते नहीं अरे नहीं पहचानती इतना कुछ मैंने बोला आपके लिए क्या ये इतने लोगों के बीच अपनी सिस्टर के लिए ऐसी बात कर रहे हो भले तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन है यहाँ पे पर ऐसी बात करने से पहले क्या कहते हैं फिल्मों में चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो पेट्रोग्लिफ की बात कर रहे हैं हम लोग लखुडियार तो लखुडियार अब आप लोगों को याद रहेगा ना लखुडियार तो कहां पर है ये उत्तराखंड में उत्तराखंड के कुमाऊ हिल्स में अल्मोड़ा से अल्मोड़ा से कुछ ही किलोमीटर की लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर और इसका मीनिंग होता है एक लाख गुफाएं और ये क्यों फेमस है क्यों फेमस है ये ठीक है ये फेमस है ये इसके बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो ना ये बैकग्राउंड में ये जो देख रहे हो आप लोग फेमस ही इसीलिए है यहां पर यहां पर जैसे ग्रुप डांस ग्रुप डांस का वो मिला है इस पे ठीक तो है तो सबसे ज्यादा फेमस लखुडियार इसीलिए है यहां पर मतलब सफेद काले लाल रंग के चित्र बनाए गए हैं और लोग हाथों में हाथ डालकर डांस करने हैं ठीक तो मैं आपको बता रही हूं कि 2021, 22, 23 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो वाईटी पर मेरे सेशन से नहीं आया है तो आप लोगों को यही ध्यान से लेना है तो यहाँ पर वही छड़ी की तरह दिखाया जाता है ऐसे छड़ी जैसा बनाकर ठीक है और इसमें मतलब जानवरों की भी बनी है इंसानों की भी बनी है ठीक और कश्मीर से भी हम लोग को मिला है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोग वहां पर जो है वहां पर ग्रेनाइट पे बनाया गया है ठीक कहाँ कहाँ पर मिला है आंध्र प्रदेश कर्नाटक में तो जो हम लोगों ने पढ़ा था पिकली हल पढ़ा था ना हम लोगों ने मैंने कहा था पिकली हल याद रखना राख का ढेर मिला है तो पिकली हल से भी मिला है हम लोगों को टैक्लकोटा कुपगल्लू ये तीन ऐसी जगह हैं देखिए ये जगह रिपीट हो रहे हैं ना जगह रिपीट हो रहे हैं आपने उस समय भी पढ़ा फिर पढ़ा कई बार रिपीट हो रहा है फिर बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा तो कुप, पिकली हल और टेक्कलकोटा यहां से बहुत मतलब ये ज्यादा फेमस है जो हम लोग को यहां से प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र मिले हैं तो कुछ सफेद हैं कुछ लाल रंग के हैं कुछ सफेद बैकग्राउंड बनाकर सफेद पृष्ठभूमि बनाकर उस पर लाल रंग से बनाए गए हैं ठीक तो यहां पर भी उत्तर पूरा पाषाण काल और जो है नौ, नौ पाषाण काल तक के मिलते हैं अच्छा इन चित्रों के वही सांड, हाथी सांबर चिंकारा भेड़ बकरी मतलब जानवर बनाए गए हैं प्लांट्स कम बनाए गए हैं वनस्पतियों के चित्र कम हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग कि कुप गुल्लू में एक अलग सा ही चित्र बनाया है हमारे प्रागैतिहासिक मानवों ने उसमें दिखाया गया है कि जो है एक वैसा पुरुष जो ब्लाइंड हो जाता है अपने सेक्स डिजायर में वो जो है और एक औरत को जो है ठीक है दो औरत को पकड़ कर वो खींच कर लेकर जा रहे हैं तो यानी रेप जैसे वो भी उस समय भी होते होंगे इसी से हम लोग को उनके सोसाइटी के बारे में पता चलता है सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र हम लोग को कहाँ से मिले हैं तो मध्य प्रदेश विंध्याचल रेंज ठीक है तो विंध्याचल रेंज में उत्तर प्रदेश में की जो कैमूर की पहाड़ियां हैं तो यहां पर हम लोगों सबसे ज्यादा अच्छे वाले मिले हैं ठीक है और ये जो है उत्तर पूरा पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन और कुछ ताम्र पाषाण काल के यहाँ पर हम लोगों को चित्र मिले हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर पानी भी था जंगली पौधे थे जंगल था जानवर थे यहाँ पर लोग ज्यादा रहते थे केव्स भी थे तो इसलिए यहाँ पर पेंटिंग्स ज्यादा मिल गई हैं हम लोगों को ठीक है मतलब आप लोगों को अगर ये पूछा जाए कि भाई जो प्रागैतिहासिक मानवों के, के जो बनाए हुए जो चित्र हैं इन पहाड, पहाड़ मतलब जहां पहाड़ी कंदराएं रहीं जहां पहाड़ी क्षेत्र या कैमूर की पहाड़ियों में भीचल रेंज में ज्यादा क्यों मिले तो फिर आप ये आंसर करेंगे कि यहाँ पर वही रॉ मटेरियल और सोर्सेज यहाँ पर ज्यादा थे तो इसलिए यहां पर ज्यादा मिली ठीक है तो भीम बेटका तो आप लोगों को पता ही है भीम बेटका भीम बेटका तो आप कभी नहीं भूलोगे और यूपीएससी मुझे लगता है पूछेगा भी नहीं भीम बेटका पर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है पर भीम बेटका की अगर बात ना करें जैसे वही बात है कि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और फेमस एक्टर्स की बात करें और हम लोग अमिताभ बच्चन का नाम ना लें तो कैसे हो सकता है तो उसी तरह से जो है पेंटिंग्स की जब हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक चित्र की तो उसमें भीमबेटका को नहीं छोड़ा जा सकता तो भीमबेटका पर कई बार क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर लगभग 800 हंड्रेड शेल्टर्स हैं मतलब 800 सौ गुफाएं अलग अलग शेल्टर्स इस तरह की देख रहे हो ना आप लोग तो ऐसे जैसे इस तरह के लगभग आठ हम लोगों को ऐसे शेल्टर्स मिलते हैं यहाँ पर गुफाएं और जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन बताया कि 2003 में इसे यूनेस्को ने ले लिया है को, तो चित्र हमें 500 में मिलते हैं और इसकी खोज डॉक्टर वी ए वाकणकर ने की थी तो वी ए का नाम भी आप लोग याद रखिएगा आजकल पूरा तत्वविदों का नाम आ रहा है ना तो वी ए वाकंड इन्होंने ही इसको 1957-58 में वी ए वाकणकर ने इसको खोजा था ठीक है 2003 में इसे लिया है यूनेस्को ने डेली यूज की मतलब डेली लाइफ की के चित्र ठीक डेली लाइफ के चित्र खाना बनाते हुए मसाला पीसते हुए है ना नाचते गाते हुए शहद इकट्ठा करते हुए खुद को सजाते हुए मतलब ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हैं इसके अलावा कुछ रिचुअलिस्टिक उस समय भी रिचुअल्स लोग करते थे अगर रिचुअल्स नहीं करते होंगे करते तो क्या वो बकरी और कुत्ते को दफनाते इंसान के साथ यानी वो लोग पोस्ट लाइफ में मृत्यु के बाद जीवन होता है उसमें विश्वास करते थे तो ऐसे लोग रिचुअल्स जरूर करते हैं धार्मिक कर्मकांड जरूर करते हैं तो हमें धार्मिक कर्मकांडों का भी मिला है ठीक है तो भीम बेटका पर आपके जीएस पेपर वन में भी कल्चर पार्ट में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है और अब अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा समझ गए आप लोग अगर पूछा जाएगा तो बहुत दिनों से भीमबेटका पर नहीं पूछा गया है तो पूछा जाएगा तो जीएस पेपर वन में भीम बेटका पर पूछा जा सकता प्रीलिम्स में नहीं आएगा यहां से क्वेश्चन ठीक है तो मतलब यहां पर बस वही आप याद रखिएगा इसको तीन मतलब जैसे कई श्रेणी में बांटा गया है लेकिन मुख्य रूप से इसको सात में मुख्य रूप से सात में इसको बांटा गया है तो इसमें जैसे इसमें मतलब आप अगर आपको ये पूछा जाए कि कहाँ मतलब कब से कब तक की पेंटिंग्स मिलती हैं भीमबेटका में तो उत्तर पूरा पाषाण काल ठीक मध्य पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग यानी कालीन चित्र भीमबेटका में नहीं है तो अगर ये एक लगा देगा एग्जामिनर वो उसमें एक लाइन तो वो लाइन गलत होगा है ना यानी यहाँ पर नौपाषाण कालीन चित्र नहीं है ठीक तो ये चीज आप याद रखेंगे तो मैंने आपको बताया कि पेंटिंग्स अभी कहां, कहां से मिली है मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों से पेंटिंग्स और कैसी कैसी मिली है अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस पेपर वन में कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र शैल चित्रों की विशेषताओं का वर्णन करें या प्रागैतिहासिक शैल चित्र का विकास क्रम कैसा रहा या उत्तर पूरा पाषाण युग से लेकर पाषाण युग तक या ताम्र पाषाण तक किस तरह के चित्र बने प्रागैतिहासिक मानवों ने कैसे कैसे चित्र बनाए तो आप यहां से लिखना शुरू करोगे बाकी जो अभी तक आपने पढ़ा वो आपके कुछ प्रिलिम्स फैक्ट्स हैं जैसे कुपगुल्लू वगैरह आपको प्लेसेज याद रखने हैं ठीक है कुपगुल्लू लखुडियार वगैरह और ये आपको पूरा का पूरा ये क्या है आपका विकास क्रम है मैंने क्या कहा कि कला का प्रारंभ है ये कला का प्रारंभिक समय है ठीक है और ये आप लोगों को ऐसे कनेक्ट करना है कि वो मानव जो हंटिंग करते थे हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे वो ड्राइंग भी बनाते थे वो पेंटिंग भी बनाते थे वो डांस भी करते थे है ना और डांस डांस कोई तभी करेगा ना जब म्यूजिक होगा बिना बीन, बिना म्यूजिक अगर आपको कोई कहे डांस करो तो कर पाओगे आप मतलब वो आप आपके अंदर वो आएगा ही नहीं एक वो क्या होना होता है कि आपको तभी डांस कर सकते हो जब म्यूजिक हो तो एक जगह तो ढोलक भी बेटका में तो ऐसे इतना बड़ा ढोलक बजाते हुए भी ऐसे दिखाया है ठीक तो मतलब या वो वहीं से एक तरह से कला का प्रारंभ हो जाता है तो आप इस एंगल से इस चीज को आप लेंगे ठीक है तो उत्तर पूरा पाषाण काल से मैंने बताया कि शुरू होता है आपसे शुरुआत में पूछा तो किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया था तो अब तो आप नहीं भूलेंगे और इस समय आपने क्या देखे थे औजार बहुत बड़े बड़े थे देखे ना आपने जो टूल्स थे जो पत्थर के औजार थे वो बहुत बड़े बड़े, बड़े थे तो इस समय पेंटिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी बनी वही पतली मानव आकृतियां यूं करके ऐसे ठीक मतलब छड़ी वाली इसको कहते हैं और यहां पर जैसे वॉश पेंटिंग धवन चित्र जब आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा वॉश पेंटिंग ये वॉश पेंटिंग क्या था कि जैसे दीवार को दीवार दीवार पर जैसे उसको पेंटिंग को बनाने के लिए बनाकर उसको जरा सा वो ऐसे ऐसे रगड़ दिया गया तो उसको जो है धवन चित्र कहते हैं तो बड़े बड़े जानवरों के मिले ठीक है वही ज्यामितीय आकृतियां मैं आकृतियां कैसी रही तो ज्यामितीय ज्यामितीय कैसे तो यू ठीक है तो इसको ज्यामितीय आकृति कहते हैं और ये जो मैंने आपको बनाया इसको छड़ी कहते हैं इसको छड़ी नुमा कहते हैं ठीक है पतली पतली रेखीय लीनियर और इसको कहते हैं ज्यामितीय शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया है वही मिजोलिथिक पीरियड में शिकारी का पीछा करते हुए दिखाया जाता है कि शिकारी जानवरों का पीछा कर रहे हैं शिकारी घोड़े पर बैठ कर शिकार कर रहे हैं लेकिन इस समय शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है तो ये एक डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर मतलब जो अपर पेलोलिथिक पीरियड रहा उत्तर पूरा पाषाण काल उसमें शिकारियों से कोई संबंध अलग अलग जानवरों का चित्र ऐसे ही बना दिया गया है मध्य पाषाण युग में जब हम लोग आते हैं तो हमने क्या बात की थी कि इस समय माइक्रोलिथ का टाइम था पेंटिंग भी थोड़े छोटे ही बने इस समय और सबसे मतलब ज्यादा इस समय चित्र भी बने और यहां पर चित्र छोटे बने और शिकार के दृश्य इस समय ज्यादा बने तो मैंने क्या बताया आपको ये आपका पेपर वन का क्वेश्चन है ठीक तो इस समय शिकार के दृश्य ज्यादा बने तो बहुत सारे जानवरों की बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र बनते बने हैं इस समय उस समय जित लगभग आप देख पा रहे हो कि सारे जानवर आ गए हैं इस समय ठीक है तो मतलब ये जानवरों का चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते थे और शिकार दृश्य जिसमें मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है जानवरों का यूं देखो हाथ में तल वो बर्छा जैसा जबकि ये सब पत्थर का है देख रहे हो ना आप ये सब कुछ पत्थर का है तो ये इस पत्थर से लेकर पीछा करते हुए है ना और कई बार ऐसा होता है कि किसी जानवर के साथ मनुष्य को बहुत प्रेम करते हुए भी दिखाया गया है तो ऐसे अलग अलग जो है मिजोलिथिक पीरियड के पेंटिंग्स हैं जो विमेन्स हैं स्त्रियों को देखो आपको यही से समाज भी पूछा जाएगा अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं कि प्रागैतिहासिक समाज की झलक हमें कैसे मिलती है और किस तरह की मिलती है क्या समझे रश्मि सिंह प्रागैतिहासिक समाज प्रागैतिहासिक समाज की झलक या प्रागैतिहासिक समाज कैसा था इसके बारे उनके बारे में उनके सामाजिक दशा के बारे में हमें कैसे पता चलता है और ये कैसा था तो ये इसके लिए मुख्य स्रोत मुख्य सोर्स क्या है तो ये पेंटिंग्स तो यहां पर जैसे भीमबेटका में से पता चलता है उनके डेली लाइफ के बारे में कि वो क्या करते थे ठीक है और कहीं कहीं पर ये भी दिखाया गया है एक समूह में दिखाया गया है कि एक समूह में एक स्त्री है पुरुष और बच्चे हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा परिवार की भी संकल्पना शायद रही हो ठीक है तो यहां पर स्त्रियों को कैसे दिखाया गया है तो स्त्रियों को निर्वस्त्र भी दिखाया गया है विदाउट क्लोथ और क्लोथ के साथ दोनों में ही चित्रित किया गया है यानी इस समय विमेंस को छूट होगी कि आप कपड़े पहन भी सकते हो कपड़े हैं तो पहन लो नहीं तो रहने दो ठीक है और इसमें जो है हर उम्र के बच लोगों को का चित्र मिलता है हर उम्र के लोगों को दर्शाया गया है स्थान दिया गया है बच्चों को भी दौड़ते भागते उछलते कूदते खेलते हुए दिखाया गया है है ना तो जो है हमें इनकी पेंटिंग से पता चलता है कि शायद परिवार की संकल्पना रही होगी क्योंकि कुछ चित्रों में एक जैसे स्त्री पुरुष और बच्चे को एक समूह में दिखाया गया है तो ऐसा माना जाता है कि एक परिवार के सदस्य होंगे ठीक है तो भीमबेटका से हम लोगों को काफी कुछ प्रागैतिहासिक मानव के जीवन के बारे में हमें पता चलता है बाकी सब जगह से भी जैसे मैंने आपको बताया कि कुप गुलू में कुपगुलू में जैसे कैसे आजकल रेपिस्ट अपने डिजायर पे उनको इतना कंट्रोल नहीं होता कि किसी बच्ची का रेप कर देते हैं उसको मार देते हैं आप सोचो आप इमेजिन करो कि वो कितने ज़्यादा अंधे हो जाते होंगे अपने डिजायर में तो मतलब ये ये उस समय भी था ये उस समय भी था तो ये हमें कुपगुलु के पेंटिंग से पता चलता है तो आपको समाज जब लिखना हो तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आप ठीक है बाकी भीमबेटका के लोग कई तरह के कलर्स का यूज करते थे तो ये भीमबेटका पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जीएस पेपर वन में आ सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन मुश्किल है यहां से आना पर मैंने जैसा कि बताया कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र पर आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा तो बहुत बड़ा है ये सेक्शन मैंने बहुत ही कम में शॉर्ट में इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मैंने बता दिया तो क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना सोसाइटी वाला जो मैंने आपको बताया ठीक है और क्यों कोशिश करना है क्यों लिखना है क्यों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा करना है क्योंकि आपको ऐसी टॉपर बनना है और मैं आप सब लोगों को जिनके नेम्स में पढ़ती हूं कमेंट सेक्शन में उन सब का नाम यहां देखना चाहती हूं ठीक है बाकी देखो मार्केटिंग की बात नहीं है आ, हम लोगों को आ, ऐसा होता है कि जब एक सिस्टमेटिक एक हम प्रॉपर किसी कोर्स में बंध जाते हैं तो जब नहीं भी मन होता है पढ़ने का जैसे क्या होता है कि मान लो वाई टी पर सेशन कभी लेने आ गए कभी छोड़ दिया छोड़ो फ्री की जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती ना अभी पिछले सेशन में देखो टू हंड्रेड से ऊपर लोग थे टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड फिफ्टीन के आसपास लोग देख रहे थे इस पूरे सेशन में बहुत कम लोग रहे जबकि ये भी आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो ऐसे होता है लेकिन जब हम एक कोर्स लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं उससे बाउंडेड हो जाते हैं हम उसे बंध जाते हैं और जब हम बंध जाते हैं तो फिर हम एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं आप देख लीजिए और अभी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है इसके पहले फिफ्टी परसेंट चल रहा था अभी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है ये भी छब तेईस सेप्टेम्बर तक ही है नाइन मंथ के साथ थ्री मंथ फ्री है ट्वेल्व के साथ फोर मंथ फ्री है एटीन मंथ के साथ सिक्स मंथ फ्री है और ट्वेंटी फोर मंथ के साथ ट्वेल्व मंथ फ्री है प्रयास बायलिंगुअल बैच है यानी इंग्लिश में कंटेंट होगा हिंदी में पढ़ाया जाएगा और जो है ये लक्ष्य हिंदी बैच है तो इन दोनों में किसी में आप देख लो रिंकू लाइव कोड है रिंकू लाइव कोड नंबर भी दिया हुआ है आप कॉल कर सकते हैं ठीक नाइन मंथ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आपका 47,000 में मिल रहा है ये सारे एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए और ये सारे आप देख पा रहे हो ये ऑफर है आप लोग का ये सब अल्ट्रा कॉम बैच ये सब ठीक है तो अपना यूपीएससी ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं ई एम ऑप्शन है ई एम ऑप्शन है अनक आदमी पर जीरो इंटरेस्ट रेट पर तो आपका मंथली केवल चार हजार तीन सौ चौसठ रुपया आएगा यहां कोई टेंशन नहीं है लेट्स क्रैक बहुत दिनों से मतलब अन अकेडमी का ये जो प्लस कोर्स है बहुत दिनों से चल रहा है दो हजार आपका मतलब चौदह पंद्रह से शुरू हो गया था इस तरह से तो ये आपका चलता रहेगा एकदम रिलाय कर सकते हैं आप यहाँ पर ठीक तो ये देखिए जीरो परसेंट ई पर आपको कोर्सेज मिल रहे हैं तो कल मिलेंगे हम लोग फिर हम लोग फिर कल मिलेंगे ठीक और मैं इन सेशन को फिर मैं आगे कॉन्टिन्यू करूँगी सेशन को छोड़ना मत मिस मत करना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव अ गुड डे अहेड और रात को पढ़ाई करनी है घूमने नहीं जाना है अगर रात को जल्दी सो जाओगे तो सुबह उठकर पढ़ाई करनी है लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है टाइम टेबल नहीं बनाया है तो बना डालो टाइम टेबल नहीं बना है तो बना डालो 2024 वाले कितने घंटे पढ़ेंगे तो 6 से आठ घंटे और 2025 वाले पढ़ेंगे चार घंटे ठीक है तो टाइम टेबल बना लो और इसको लाइव क्लास के साथ ये जो टाइम टेबल है ये, पर, ये उसमें ये लाइव क्लास नहीं काउंट होगा वो सेल्फ स्टडी का टाइम है ठीक है तो मिलते हैं फिर मिलते हैं कल अच्छा मेरा जो रोज सेशन का टाइमिंग रहेगा आज मेरे यहां पावर कट हो गया था तो इसलिए नहीं हुआ मॉर्निंग टेन ए एम इवनिंग फाइव पी एम तो सेशन का टाइम याद रखिए मॉर्निंग टेन ए एम दस बजे सुबह और शाम को इसी समय 5 बजे सुबह दस बजे हिस्ट्री शाम को 5 बजे एवं संस्कृति ठीक तो मिलते हैं फिर Tomorrow 10 a.m. Till then, bye bye. Have a good day ahead. All the best.